फैसलाबाद से खबर शामिल करते हैं, जहां पर गुज़श्ता रोज ऑल पाकिस्तान मिनोरिटीज अलायंस फाउंडर के दफ्तर दाऊद नगर फैसलाबाद में अहम इजलास मुनक्कद हुआ, जिसकी सदारत परवेज रफीक चेयरमैन ऑल पाकिस्तान मिनोरिटीज अलायंस फाउंडर्स एक्स MPA पंजाब और साबिक सदर मिनोरिटी विंग PPP पंजाब ने की। इस इजलास में तहरीक के हवाले से अहम फैसले किए गए और ओहदेदारान का इंतखाब किया। मैडम ताहिरा अंजम चौधरी को सदर पंजाब, राय नवीद जफर भट्टी एडवोकेट को नायब सदर पंजाब, चौधरी अनवर अंजम को डिवीजन सदर फैसलाबाद और शहबाज जट को नायब सदर डिवीजन फैसलाबाद, डॉक्टर बशीर अटवाल को डिस्ट्रिक्ट सदर फैसलाबाद, इकबाल भट्टी को नायब सदर डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद और परवेज अख्तर गिल को सिटी सदर फैसलाबाद, पास्टर परवेज अख्तर गिल सदर मदीना टाउन फैसलाबाद, इजाज विलियम सदर तहसील समुंदरी फैसलाबाद, डॉक्टर शमान भट्टी को मरकजी सेक्रेटरी जनरल और इजाज भट्टी को मीडिया की जिम्मेदारी दी गई। और इस मौका पर 11 अगस्त को बसिलसिला यौम अक़लियत और जश्न आज़ादी के हवाले से एक अहम प्रोग्राम प्रेस क्लब फैसलाबाद में मुनक्कद करने का फैसला किया गया। इस मौका पर परवेज रफीक चेयरमैन ऑल पाकिस्तान मिनोरिटीज अलायंस ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि हमारा मकसद है कि तमाम मजहबी अकलियतों के हकूक़ के तहफ्फुज़ और अपने वतन अजीज को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान बनाने के लिए जदोजहद करना है। आओ मिलजुल कर इस मकसद को हासिल करने की कोशिश करें।